गुमशुदा गुमशुदा। ईशान किशन गायब है भाई, गुमशुदा हो गए हैं, रणजी में बंक मार के आईपीएल की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन कहीं इस चक्कर में बीसीसीआई उनकी क्लास ना लगा दे। हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। और विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने रणजी ट्रॉफी के आखिरी दौर के मैच में भी झारखंड की तरफ से हिस्सा नहीं लिया, यही है कहानी आज की। और ये जनाब अकेले गायब नहीं थे, राजस्थान के तेज गेंदबाज दीपक चहर और मुंबई के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भी रणजी ट्रॉफी के आखिरी लीग मैचों का हिस्सा नहीं है। ऑल्दो अय्यर बैक एंड थाई इंजरी से जूझ रहे हैं तो उनका रीजन समझ में आता है, लेकिन बाकी दो लोगों को क्या हुआ है? बीसीसीआई ने स्पेशली इन तीनों को बोला था कि रणजी ट्रॉफी का हिस्सा बनो। इनफैक्ट बीसीसीआई सचिव जे शाह ने कहा था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त फिट क्रिकेटरों को घरेलू क्रिकेट के लिए खुद को अवेलेबल रखना होगा। उन्होंने इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी करने की बात कही थी। इनफैक्ट कोट करूं तो मिस्टर जे शाह सेड, अगर आप पूरी तरह से फिट हैं तो कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ये नियम केंद्रीय करार प्राप्त क्रिकेटरों पर भी लागू होता है, उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। खिलाड़ी अपने भविष्य का निर्णय स्वयं नहीं ले सकते, ये काम चयनकर्ताओं का है। अगर कोई क्रिकेटर लाल गेंद की क्रिकेट में अच्छा है तो उसे खेलना होगा। अब भाई किशन के एब्सेंस में इस सीजन कुमार कुशाग्र एज अ विकेट कीपर खेल रहे हैं झारखंड के लिए, और झारखंड की परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई ना ही बात करें, क्योंकि इस साल के रणजी सीजन में काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है झारखंड का प्रदर्शन। 10 अंक है सिर्फ, बोले तो 6 मैचेस में से सिर्फ एक ही जीत पाए हैं, और आखिरी लीग मैच जमशेदपुर में राजस्थान के अगेंस्ट है, और इसमें ईशान किशन गायब है। ईशान किशन ने भारत के साउथ अफ्रीका दौरे के बीच में ही ब्रेक मांग लिया था। कुछ दिनों बाद वो अपनी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ बड़ौदा में ट्रेनिंग करते हुए दिख गए। अब मेरा सवाल सिंपल सा है और जरा गौर से सुनिएगा, आपको नहीं लगता कि ईशान किशन जो है आईपीएल को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ओवर डोमेस्टिक क्रिकेट? एंड बीसीसीआई को खफा करके क्या वो इस उम्मीद में है कि वर्ल्ड कप यानी टी20 वर्ल्ड कप की इंडियन टीम का लाइनअप कब हिस्सा बन जाएंगे, वो भी तब जब सन्नाटे में ऋषभ पंत प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी वापसी की तैयारी कर रहे हैं? कहीं पंत की इंजरी के बाद जो एक अपॉर्चुनिटी का विंडो खुला था किशन के लिए, वो स्वयं में ईशान किशन खुद ही बंद तो नहीं कर रहे हैं? इस कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो लग रहा है भाई ईशान किशन अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी ना दे मारे, या यूं कहूं कुल्हाड़ी में पैर ना दे मारे। बाकी आप क्या सोचते हैं, ईशान किशन के साथ बीसीसीआई का रुख बहुत ज्यादा सख्त है, थोड़ा सा सख्त है, या काफी ज्यादा चिल सीन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, एंड अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड दिस इज अनकट।